गुनाम लाल गुबक सांग सिल्वर कलार चांदीपुर और इस समय चांदीपुर जिसका भी प्रधान प्रयोग करती है और इस समय दो एक बार सरायकेला बिल्कुल सरायकेला कर से प्रयोग करती है और इस समय स्वरम को सुखते सरायकेला के पास बॉल अपने अंदाज में यहाँ पर दो नंबर के लिए बिल्कुल छोटे पास सेंटर सर्कल के निकालना चाहा लेकिन उससे पहले बॉल चुकी और इस समय तीन नंबर के धरती पर जो कि चांदीपुर की ओर से शूट आउट दी गई थी सात नंबर के लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुई और बॉल चली गई सीधे गोल लाइन से बाहर। जी हाँ यहाँ पर सरोकला को पहला गोल की चपेट में मिलेगा। और इस समय बिल्कुल चांदीपुर के पास बॉल को रखे जरूर है एक खिलाड़ी को चकमा देकर दूसरी खिलाड़ी को चकमा देना चाह लेकिन बॉल चुना गई समय शादी के तेईस नंबर के दर्जे पर अपने यहाँ पर काफी चालीस के सहारे जाप जी जिस प्रकार से यहाँ पर आउट देखने को मिली निश्चित रूप में यहाँ पर हम लोग टीवी में देखते हैं स्टील की पत्नी स्टील से स्टील करने का प्रयास किया मगर सफल नहीं हुए फिलहाल सात नंबर के दर्शन पर चांदी थी ये टूल कर के लिए तीन नंबर की जेल को निकाल देना चाहते थे मगर वो जेल तक नहीं पहुंचे यहाँ पर समानांतर पास के राइट विंगर के लिए सरायकेला डी एन डी सरायकेला और ये काफी स्टाइलिश प्लेयर है जो कि दस नंबर के दर्शन पर पहले हुए सुनील सुनील ग्यारह नंबर की ग्यारह नंबर की गेंद चुन ली गई और यहाँ पर चकमा देने का प्रयास चकमा देने में तो असफल और यहाँ पर डी एन डी सरायकेला पैरों से मौका मिलेगा चांदीपुर को यहाँ पर गलत ट्रेन का इशारा प्रेस करती है एक फाउल क्रॉस की जो जिसका फायदा मिलेगा टू नंबर सारा को बिल्कुल और यहाँ पर दस नंबर के दर्शन पर सुनील के नाम से जाने जाते हैं बहुत ही अच्छा थ्रो है अपने साथी खिलाड़ी के लिए सीधे से रोकते हुए यहाँ पर छह नंबर के खिलाड़ी आंखों में आंखों में इशारा करते हैं पर दोनों खिलाड़ी पहुंच चुके हैं सुनील और जो कि साहू के नाम से जाने जाते हैं बारह नंबर की निशान लगता है लेकिन अपने पैरों में बॉल रुकी नहीं और गोल चली गई सीधे गोल से बाहर। अब पहला गोल कीक का मौका मिलेगा सुनील क्लब चांदीपुर को यहाँ पर मुख्य डिफेंडर रक्त पंक्ति सेकंड नंबर के लिए निकाल दिए और सेकंड नंबर सेंटर फॉरवर्ड के लिए निकाल दिए विक्रम जाकर पते लेते हैं इक्कीस नंबर और दो खिलाड़ी के बीच तीन के पट्टी चलता हुआ और यहाँ पर दो नंबर के दर्शन करते हुए डीएन डल सारा खेले थे रक्त पंक्ति के खिलाड़ी लेफ्ट विंगर की गेंद को निकाल दिए और यहाँ पर तीन नंबर के दीपों के क्षेत्र में युवा से तेजी से लेकर बिंदु सफल होता है यहाँ पर ग्यारह नंबर की लेफ्ट फुट का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करते थे काफी निराश हो गए जिस प्रकार से यहाँ पर शूट आउट ली गई यहाँ से सुनील जी के द्वारा अपने टीम कैप्टन भी काफी निराश हो गए तमाम दर्शक जो कि सरायकेला के उदय समय जितने भी दर्शक हैं वो सारे दर्शक भी निराश हो गए और इस प्रकार का मौका उसको मिला था और इस समय बिल्कुल मुख्य डिफेंडर के पास सरायकेला इस समय बनाए बार चांदी थी सात नंबर के खिलाड़ी पांच नंबर के लिए पास कर दी पांच नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचाने का प्रयास में थे जो कि राइट स्पिनर के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं थे नहीं तो निश्चित रूप से यहाँ पर सरायकेला की गेंद में खतरा बने हुए थे आजाद जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर गोल कीक का मौका मिलेगा यहाँ पर रक्त पंक्ति के लिए और अपने साथ ही खेलों को नीचे करते हुए आठ आंखों ने यहाँ पर सात नंबर की समानांतर पास किए सात नंबर ग्यारह नंबर सेंटर फॉरवर्ड किया और ग्यारह नंबर यहाँ पर दस नंबर सुनील की गेंद को निकाला था और यहाँ पर अपील और इस अपील संतुष्ट हमारे खेल संचालक महोदय जी जिसका फायदा मिलेगा डू एंड डाई सारे खेल को। अब देखना दिलचस्प की बात यह होगी इस मौके को ढूंढने में सफल हो पाते या नहीं ग्यारह नंबर तौफीक करने को तैयार और बिल्कुल यहाँ पर विनय के नाम से जाने जाते हैं बिल्कुल तैयार अपने साथी खिलाड़ी सुनील के लिए निकाल दिए और सुनील सीधा सीधा आउट लेना चाहा राइट शूटर के इस्तेमाल करते हुए टी बॉक्स को करीबी सामने यहाँ पर लेकिन इतना ही यहाँ पर और डिफेंसिव लाइन में जो है और इस समय फिर एक बार सुनील के पास अपने अंदाज में खिलाड़ी को चक्का देने के बाद छह नंबर की निकाल दिए साहू के पास साहू अपने
और इस समय बॉल चली गई सीधे गोल लाइन से बाहर। आजाद भी यहाँ पर पहला कॉर्नर का मौका जिसे हम लोग फुटबॉल के नाम से आधा गोल से जानते हैं, इसे पूरा गोल में तकदील कर पाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। आजाद जी हाँ बिल्कुल पहला कॉर्नर क्रिकेट का मौका मिला, कॉर्नर तो फुटबॉल की तरह है, आधा गोल के रूप में माने जाए बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर खिलाड़ी गलत कर बैठते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर सुनील जैसे खिलाड़ी को भुगतना पड़ता है। जी हाँ निराश और हताश होना पड़ता है। और उस समय गोलकीप का मौका साधु पी की ओर से बिल्कुल सेंटर फॉरवर्ड के आस पास सात नंबर के पास अपने अंदाज में यहाँ पर सुंदर फॉरवर्ड के आसपास 12 नंबर के पास 12 नंबर एक रन में चलता देने के बाद पास कर दिया अपने साथी खिलाड़ी 11 नंबर विनय के लिए और विनय सीधा शॉट आउट लेना चाहा 6 नंबर के लिए और 6 नंबर किसी प्रकार से नेट में डालने का भरपूर प्रयास में थे लेकिन सफल नहीं हुआ और गोल तरीके सीधे गोल लाइन से बाहर। जी हाँ बिल्कुल दूसरा कॉर्नर स्पीड का मौका मिला है और ये और यहाँ पर लेफ्ट फुट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर एक चकमा देने में सफल और यहाँ पर मुख्य रूप से 4 नंबर के लिए गेंद को निकाल दिए थे मगर वो गेंद को छीनने में सफल चांदी पी के खिलाड़ी और यहाँ पर सेंटर के बीचों बीच आसमान बुलंद को छूती हुई चांदी पी के खिलाड़ी निकल जो दिसंबर के 10 ओवर पहले एक प्लेयर चकमा देने का प्रयास चकमा देने में सफल गेंद उसे छीन ली गई खिलाड़ी पर 10 नंबर के 10 ओवर पहले वो खिलाड़ी सुनील के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पर मुख्य वो सभी समानांतर पास के 11 नंबर 12 नंबर के लिए 12 नंबर जान बुझ कर सुनील के लिए गेंद को छोड़ दिया। सुनील ये काफी स्टाइलिश प्लेयर है, स्किल की बात करें तो चकमा देने में सफल और यहाँ पर काफी सुंदर फॉरवर्ड पास के 6 नंबर 12 नंबर के लिए निकाल दिए तो 12 नंबर जान बुझ कर 7 नंबर के लिए छोड़ दिए थे मगर 7 नंबर के प्रसार करके पहने हुए बहुत ही बेकार से शॉट जाता है। इतनी मेहनत करने के बाद तब भी यदि आप इस तरह का किक मारते हैं शॉट मारते हैं तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर कहना चाहूंगा आजाद जी जिस प्रकार से यहाँ पर सुनील जी 10 नंबर डूबे बाइक की ओर से मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर अपने तमाम खिलाड़ियों को मौका भी दे रहे हैं और इस मौका को बार बार गवा रहे हैं तो इससे काफी निराश हो गए डूबे बाइक के कैप्टन बॉल को निकाल दो मैदान के अंदर दो दो गोल हैं कृपया एक बॉल को बाहर निकाल दें। और समय बॉलकीप का मौका मिला है बिल्कुल चांदी पी को अपने अंदाज में यहाँ पर सेंटर फॉरवर्ड के लिए निकाल दिए सेंटर फॉरवर्ड अपने साथ खिलाड़ी के लिए लेकिन यहाँ पर साथ खिलाड़ी के पास बॉल पहुंची नहीं और इस समय दो एंटाई को मिला था लेकिन दो एंटाई के पास छीना गई और इस समय फिर एक बार चांदी पी हेडी से जरिए यहाँ पर बिल्कुल शानदार गोल लेकिन बॉल चले गई सीधे गोल लाइन के बाहर। इस मैच के तुरंत बाद आगरा मैच के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेंगे सनराइज क्लब रजिंदर नगर बनाम जय महाकाल। दोनों टीम मैनेजमेंट या कप्तान या कोच से निवेदन जय महाकाल बनाम सनराइज क्लब रजिंदर नगर आपसे बार बार बिंदु मैच जैसे ही समाप्त होगी मैच समाप्त के तुरंत पश्चात मेडिकल चेकअप के बाद मैदान के बीचों बीच प्रवेश कर जाएंगे। अगला आवाज हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर आजाद जी। जी हाँ बिल्कुल कैमरा आ रहा देख अभी तक तो खेल में दौड़ थी कांटे की टक्कर महासंग्राम जारी है चांदी पी वर्सेस अभी तक के खेल में दोनों टीम सामने सामने की बराबरी पर दोनों टीम एक दूसरे को चीर टीम को पचाने यहाँ पर काफी सुंदर मौका मिला था यहाँ पर राइट पैर से 6 नंबर के दस्ती पर पहने हुए खिलाड़ी गेंद को नेट में डालने का प्रयास तक किए थे मगर विफल होते हुए आजाद जी यहाँ पर बार बार मौका मिल रहा है जैसे दोनों इंडाई को और इस मौका को निश्चित रूप से गवा चुके हैं। अब तक अगर देखा जाए तो पहला हाफ का मैच मैदान के बीचों बीच जारी है अभी तक स्कोर देखने को नहीं मिली है और यहाँ पर निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा आजाद जी सर के जरूर खेल रही है दो इंडाई लेकिन सफल नहीं हो पा रही है। इस मैच के तुरंत बाद आज का टी ग्रुप का सेकेंड राउंड का तीसरा मैच को खेलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहेंगे सनराइज क्लब रजिंदर नगर बनाम जय महाकाल। और आप दोनों टीमों के टीम कैप्टन या टीम मैनेजर से मेरी अनुरोध है
कि अपने खिलाड़ियों को तैयार हालत में रखे और यह मैच समाप्त होने के 5 मिनट पूर्व हमारा मेडिकल सेंटर यानी कि सेवन पंडाल के समीप लाइनअप कर और दूसरे खिलाड़ी को चकमा देना चाहते थे मगर उससे विफल हुए और यहाँ पर 29 नंबर के दर्शकों पर चांदी थी इस्तेमाल करते हुए दूर से और गोलकीपर बड़े आसानी से अपने ग्रास में गेंद को गोदर करता हुआ यहाँ पर रक्त पंक्ति के लिए तोड़ने के जरिए पास कर दिए और देखना होगा कि वो क्या करते हैं और अपने साथी खिलाड़ी को नीचे करते हुए 3 नंबर की गेंद निकाल दी 6 नंबर गेंद के पीछे भागते हुए 3 नंबर के परवन पास के बैट पास किया है और 3 नंबर क्या करते हैं चकमा देने का प्रयास चकमा देने में तो सफल और यहाँ पर 6 नंबर गेंद पर हावी होता है यहाँ पर लेफ्ट विंगर जो कि 7 नंबर के पोशाक पर पहने हुए 7 नंबर 12 नंबर की गेंद को निकाल दी जो कि जो तक पहुंचने सफल हो पाती है नहीं चकमा देने का प्रयास और चकमा देने में असफल और जान बूझ के 5 नंबर के दूसरे प्रदर्शन चांदी पी के खिलाड़ी बोल के बोल लेन के बाहर बदल दिए जिसका फायदा मिलेगा 2 एंड 5 सहाय को लाकर अगर मैम बात रहा तीन तीन कॉर्नर या मौसम को नमक जो कि 2 एंड 5 खिलाड़ी को प्रयास जान सफल का हो जाए गोल सीधे गोल पर गोल खिलाड़ी लगे सनराइज क्लब राजेंद्र नगर ग्राम जय महाकाल सजा समराव टाइम देन अरे निमते गोड़ा कला माला पे निधि है अरे निमते की नमकड़ा दुवंता सुनील तार बोल 10 नंबर जर्सी रे अभी ये जोर से जोन नलकी तार का और तो जनार गोलिया इन उम्मीद के साथ ऐसे बनी मिलता दे लिंगा गाड़ के सूट ले तो इतना बंदे जैसा लिखा गली तो छुटा नहीं है ना बंद कर दे निश्चित रूप से सीधे चालू रहते हुए ना होना इसका कहा हो जाए ना अरे चालू चीजें डिफेंसिंग लाइन में उनका काफी मजबूत मिला इनमें इनका कहा हो जाए ना अरे मिलते हैं गोल की क्रिया सुबह की नमकड़ा चांदी की रन खिलाड़ी की अरे मिलते हैं बिल्कुल उन्होंने बराबर से चालू किया है पहला हाफ लिया उन्होंने चालू किया है ऐसे जुड़ी गए बिल्कुल सेंटर थोड़ा आस पास की गोल पर तय किया अरे नन तयन तगे अलिया मुख्य दो नलका के दो पूरी गुंडी के नेते दुगा दुगा इनके नेते उन्हें दो नलता ना दो तो चांदी की बनाम दो एंड आई फ्राई केला दूसरे अंडर निकल दूसरा हाथ लिया उन्हें चालू सिखा करा 23 नंबर इंजर सूर्य चांदी की पाए थे अपनी दूर से पैर तोड़ के तो 7 नंबर लगे थे और तेरा 5 नंबर खिलाड़ी ऐसे जिन्हें इनके बिल्कुल डी बॉक्स के भीतर की अगर लिखा मैं तो गोलकीपर जान गलती का अंडर सूर्य आती है पूरे सुंदर लिखा एडिकेशन का हूं तो मैं कहते हैं अपनी दूर से पे 7 नंबर लगे गोल लेदा 7 नंबर अपनी दूर से पे 10 नंबर सुनील लगे गोल तड़ा सुनील साल लगे की गोल लगा 6 नंबर जर्सी रे 6 नंबर खिलाड़ी लेगा कड़क की चोट में तय करा उससे बढ़िए मेंदर इंतार है गोलकीपर जान डाल चुका आगे अंडो खुद में कहते आती है जोर से 7 नंबर चांदी पी रन की हिमाई तय करा चांदी पी रन 17 नंबर लगे की गोल लेगा 17 नंबर खिलाड़ी हाथ से अरे मिंटन सुनाई कार की नमकड़ा दो एंड आई स्ट्राइक ला पाए तो दो के में खिलाड़ी की 11 नंबर के खिलाड़ी मेडा खिलाड़ी चार की तो ऐसे बड़ी मिंटा बंद जाना था और पर जमीन पर फोटो लगे की गलत ना अरे सुनील बार बार मिंटा रहे अगर मां गई थी आप प्रयास में विराज में आजाद जो लेकिन जो कि अगर मेले में तो पहला हाथ लिया मोच रही हो बार बार सुनील अगर मां गई थी आप प्रयास लेकिन कहीं ना सफल कभी हो जाए ना मेरे दूसरा हाथ पे सुने की जुटाया आजाद जो अगर नाम हो जाए तो जगह तक जी हाँ देखना दिलचस्प की बात क्या होगी सुनील जिस तरह से अपनी टीम के लिए कड़ी मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं अपनी टीम को जीत या बढ़त दिलाने के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है यहाँ पर स्कूल की बात है अपने यहाँ पर 21 नंबर समानांतर पास किया गिरते पड़ते हुए और यहाँ पर राइट फुट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को नेट में डालने का प्रयास दो गेंद के बीच में से पट्टी चलता हुआ यहाँ पर 9 नंबर समानांतर ब्रेक पास किया मुख्य डिफेंडर के लिए और हाँ और एक विशेष सूचना हमारे गोरखपुर दीपनी के पंचायत समिति सदस्य रघुनाथ गोप जी यदि मेरी आवाज आपकी खानों तक भूल गई है तो आप हमारे मंच के समीप 5 मिनट के अंदर चले हैं पंचायत समिति सदस्य गोरखपुर दीपनी के रघुनाथ गोप जी यदि मेरी मधुर आवाज आपकी कानों तक
बोल रही है तो प्रत्याशी के हमारे मुख्य मंच के समीप 5 मिनट के अंदर चले हैं। यहाँ तो चलिए मैदान के बीचों बीच का महासंग्राम महामुकाबला कांटे की टक्कर दुल्हन दल सरायकेला वर्सेस चांदीपुर दोनों के बीच चल रही है। अभी तक खेल में दोनों टीम शून्य शून्य के बराबर है। यहाँ पर दुल्हन दल सरायकेला यहाँ पर दोनों के क्षेत्र में और यहाँ पर सुनील स्टील की बातें की है चकमकने का प्रयास और इस सुंदर से कुछ और जान बीच कर यहाँ पर मुख्य डिफेंडर गोलकीपर के लिए छोड़ दी। यहाँ पर राइट डिफेंडर के लिए लेफ्ट विंगर अपने साथ खेलने को निश्चल करते हैं। सेंटर फॉरवर्ड के लिए गेंद को निकल देते हैं। सेंटर फॉरवर्ड क्या करते हैं और यहाँ पर हाथ हाथ में इशारा करते हैं। काफी दूर से गेंद को नेट में डालने का प्रयास कमजोर से शॉट और बेकार से शॉट और गोल किक मौका मिलेगा। फिलहाल 10 नंबर सुनील अपने साथ खिलाड़ को देना चाहते थे मगर गलत पास और यहाँ पर काउंटर अटैकिंग होने की संभावना सेंटर के बीचों बीच चांदी थी और समर पास किया है अपने साथ खिलाड़ी 23 नंबर के लिए और 23 नंबर से गेंद छीन ली गई और दो नंबर के दस पर पहले टू एंड डिफेंडर गेंद को जान बूझ कर आउटलाइन के बाहर तक खेलते जिसका मौका मिलेगा चांदी थी को। बिल्कुल इस सूचना के साथ मैं कहना चाहूंगा महिलाओं का रेजर्वेशन एरिया बनी हुई है वहाँ पर बिल्कुल केवल महिलाओं के लिए जगह आरक्षित की गई है। रूस वर्ग के जितने भी रूस हैं कृपया आप लोग इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो पकड़े जाने पर हमारे कमेटी की ओर से आपको एक्शन लिया जाएगा इसीलिए आप समझदार हैं। आजादी देखा जाए जी हाँ बिल्कुल और सब तेरी तरफ और उसके साथ सुनाई बार एक जीरो की तरफ से बना चुके हैं जो कि शामिल थी और यहाँ पर आज जीरो से पिछड़ते हुए खेल का प्रदर्शन में अगर देखा जाए आजाद जी जिस प्रकार से यहाँ पर दो एन डाई खेल रही है कहना चाहूंगा जिस प्रकार से यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से मिलता हुआ चांदी सिंह को और नहीं तो यहाँ पर निश्चित रूप से एक जीरो से पिछड़ रहे थे जो कि दो एक डाई और यहाँ पर देखा जाए आजाद जीत पर जिस प्रकार से यहाँ पर मैच देखने को मिल रही है दो एक डाई सरायकेला की ओर से बिल्कुल मुझे उम्मीद थी कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जी हाँ मुझे भी यही उम्मीद थी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं सब बिल्कुल इसका जवाब जो है बोल्डर से दिया बिल्कुल एक जवाब के अंदर तीस सेकंड के अंदर इसका जवाब मिल चुके थे और यहाँ पर अगर देखा जाए एक जीरो जीरो की बराबरी पर अभी मैच चलता हुआ और ये मैच जो कि दूसरा हफ्ता मैच चलता हुआ टक्कर महामुकाबला महासंग्राम जारी है। अभी तक के खेल में दोनों टीम एक एक की बराबरी पर पुनः इस खेल के अंतिम चरणों में गोल का एक मौका मिलेगा चांदीपुर को। यहाँ पर चांदीपुर के मुख्य डिफेंडर 31 नंबर के लिए और 31 नंबर गेंद को समझ नहीं पाया और 4 नंबर के जैसे पर रक्षक पंक्ति खिलाड़ी दुवंदल सरायकेला एक प्लेयर चश्मा देने का प्रयास और प्रतिद्वंद्व खिलाड़ी के पैरों से जाकर गए और गेंद चले गए आउट लेन के बाहर। अब तुरंत का मौका मिलेगा 4 नंबर दुवंदल सरायकेला को। यहाँ पर समांतर तुरंत पास किया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए और यहाँ पर सेंटर के बीचों बीच सुनील के लिए सुनील समानांतर पास किया है दो नंबर के लिए। दो नंबर क्या करते हैं और दो नंबर से गेंद छीन ली गई दो नंबर भी छीनने में सफल पुनः दो खिलाड़ी के बीच जिन्हें की प्रति चलता हुआ और यहां पर मुख्य डिफेंडर तैनात दुवंदल सरायकेला के गोलकीपर को बैक पास और गोलकीपर 4 नंबर के लिए रक्षक पंक्ति के लिए 4 नंबर
नौ नंबर के गेंद को निकाल दी थी, नौ नंबर गेंद तक पहुंच नहीं पाए। यहाँ पर मौका मिला और यहाँ पर गलत पास, यहाँ पर सात नंबर के सटीक प्रिय पास मिलती तो शायद अपनी टीम को निश्चित रूप से एक और गोल जाते और खेल के अंतिम चरण में अपनी टीम को दो एक की तरफ मजबूत तरफ खुला देते। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं, फिलहाल एक कॉर्नर फ्री किक का मौका मिला है खेल के अंतिम चरण में सुलह क्लब चांदी टीम को। लगभग लगभग ये खेल समाप्ति की ओर है। संग्रदेश क्लब राजेंद्र नगर वर्सेस जय महाकाल। आप दोनों टीमों के टीम मैनेजर या टीम कैप्टन से अनुरोध है कि अपने खिलाड़ियों को तैयार करा के हमारे मेडिकल चेंबर में खतरनाक खड़ा करवा दें। और यहाँ पर तेईस नंबर के जरिए काफी सुंदर पिच और यहाँ पर 31 नंबर हेड के जरिए गेंद को नेट में डाली गई। यहाँ पर शून्य तरफ के साथ 29 नंबर और यहाँ पर दो खिलाड़ियों को मिस्टर शंकर गोप जी, अगर आप तक मेरा आवाज पहुंच रही है तो कृपया आप मुख्य मंच में चले आएंगे। ब्लॉक स्टाफ है चांदीपुर के मंच पे आ जाएंगे मुख्य मंच पे। घूमने में सफल हो पाते या नहीं और यहाँ पर लेफ्ट फुट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को क्रॉस कर दिए थे मगर कोई फायदा नहीं बना यहाँ पर। और ये देखते ही देखते कहते हैं